कि आपको ऑनलाइन ही रिकॉर्डिंग करनी है और उसके बाद ऑनलाइन ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वेबकैम के साथ भी आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उसी के साथ उसी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सको इस तरीके से। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो आप अलग अलग टाइप के डायनामिक टेक्स्ट ऐड कर सको, उसके बाद सोशल मीडिया अलग अलग एनिमेशन, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब का एनिमेशन, बेल आइकन का एनिमेशन, या फिर इंट्रो या फिर आउट्रो लेआउट्स आप बना सको इसमें बड़े ही आराम से। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस बाठिया है और आप देख रहे हो बाठिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही वेबसाइट जो आपको ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ करती है वेबकैम के साथ, और उसी के साथ एडिटिंग करने के लिए भी आपको सहूलत देती है, और बेसिक एचडी में मतलब 1080p में आपको फ्री में डाउनलोड भी करने देती है आपका पूरा एडिटेड वीडियो। तो दोस्तों अगर आपका पीसी लो एंड है और आप कोई भी हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पा रहे हो, आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आज का सेशन आपके लिए है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और एडिट करने के लिए एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलता है ये recordcast.com। इसके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटर आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ये 100% फ्री है, डाउनलोड की कोई भी जरूरत नहीं है, और फ्लेक्सिबल रिकॉर्डिंग है, बिल्ट इन वीडियो एडिटर भी आपको मिल जाता है। तो चलिए किस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सबसे पहले ये देखते हैं, और उसके बाद किस तरीके से हम इसे एडिट करेंगे, बेसिक एडिटिंग फीचर्स के इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किए देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तीन ऑप्शन बोलता है कि स्क्रीन प्लस वेबकैम आप यूज कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर स्क्रीन ओनली या फिर वेबकैम ओनली। अब अगर आप स्क्रीन प्लस वेबकैम यूज करते हो दोस्तों, तो आपको दोनों भी फाइल अलग अलग मिलती है, मतलब ये आपकी स्क्रीन की फाइल अलग रिकॉर्ड होगी और वेबकैम की फाइल अलग रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बाद में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए मैं स्क्रीन प्लस वेबकैम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोल में यहाँ पर मेरा स्क्रीन मतलब वेबकैम नजर आ रहा है, और स्क्रीन के लिए मैंने अभी कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं कर रखी। तो चलिए मैं अभी के लिए एक पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पीपीटी ओपन कर रखी है। अब ये पीपीटी हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम ऑडियो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, माइक्रोफोन, या फिर आपको नो ऑडियो चाहिए, या भी इस तरीके की सेटिंग्स आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरा वेबकैम है HD प्रो वेबकैम C920, और ऑडियो भी मेरा HD प्रो वेबकैम से ही रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। अब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक लिमिटेशन है कि फ्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो 30 मिनट्स जनरली अगर आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स बनाते हो तो वो जनरली 30 मिनट से छोटे ही होते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ये बता रहा है, तो ठीक है गॉट इट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शेयर ऑडियो, तो ऑडियो हमें चाहिए क्या, तो बिल्कुल चाहिए। उसके बाद विंडो में आपको कौन सी विंडो चाहिए, OBS की विंडो चाहिए या फिर ये आपकी PPT की विंडो चाहिए, तो अभी के लिए मुझे पीपीटी की विंडो चाहिए इसलिए मैं इसे कर देता हूँ शेयर। अब जैसा ही शेयर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये शेयरिंग स्टार्ट हो गई है और ये रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पर अभी ऑलरेडी 12-13 सेकेंड्स हो चुके हैं। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हो, री रिकॉर्ड भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक आपकी हो गई है। उसके बाद स्टॉप शेयरिंग भी आप अचानक से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब मैं मेरे पीपीटी पे चलता हूँ और उसके बाद स्टॉप शेयरिंग क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही स्टॉप शेयरिंग करता हूँ अब यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग तैयार हो गई है, अब मैं इसे प्ले करके देख सकता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। मैंने ऑडियो जानबूझ करके इस क्लिप का यहाँ पर म्यूट कर रखा था एडिटिंग के बाद, सो दैट कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यहाँ पर डाउनलोड एंड एडिट पे आपने क्लिक करना है। तो जैसा ही डाउनलोड एंड एडिट पे आप क्लिक करोगे इसको अलाउ कर देना है। तो अब देखिए आपको दो फाइल्स नजर आ रही है, एक आपके वेबकैम की और दूसरी आपके पीपीटी की। अब यहाँ पर आप अलग अलग क्लिप को अलग अलग वक्त रिकॉर्ड में एडिट कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए बड़े ही आसानी से आप इसको मूव कर सकते हो। जैसा कि मेरा वेबकैम है तो वेबकैम को मैं स्क्रीन में कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, तो ये काफी अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है, बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। इसके बाद आप मास्किंग भी इसकी कर सकते हो, स्क्वायर लेना है या फिर एक पूरा ब्रॉड लेना है या फिर सर्कल में रखना है, तो किस तरीके से इसकी मास्किंग होनी चाहिए इसके ऑप्शंस भी आपको बाद में मिल जाते हैं। तो इसकी बेसिक एडिटिंग मैंने आपको बता दी है, अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ऊपर ये देखिए प्रॉम्प्ट कर रहा है सेव करने के लिए। अगर गलती से आपका इंटरनेट चला गया तो ऑनलाइन हो रहा है ये सब कुछ, तो आपकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। गॉट इट पे क्लिक करना है,
और यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी के लिए ये नहीं चाहिए मेरा वेबकैम, तो इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। ये हो गया डिलीट। अब हमारे पास एक ही क्लिप बचती है, इसी में देखेंगे किस तरीके से एडिटिंग होनी है। तो सबसे पहले आप आपके टाइमलाइन को जूम और इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर नीचे देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप बैकग्राउंड म्यूजिक हियर। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप इस क्लिप का ऑडियो म्यूट कर सकते हो या ऑडियो स्टार्ट कर सकते हो। इसका ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों, मगर मैं चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्डेड ऑडियो म्यूट कर दे क्योंकि ये हमेशा डिस्टर्ब हमें करता रहेगा, तो इसलिए मैं इसे कर देता हूँ म्यूट। अब देखिए इसको किस तरीके से हम साइड से ट्रिम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये ट्रिम हो रहा है और दोनों भी एंड से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लिप आप ऑटोमेटिकली फ्रंट से और बैक से ट्रिम कर सकते हो। मान लीजिए आपको बीच में कोई पार्ट यहाँ पर गलत फील हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्प्लिट का बटन आपको मिलता है, स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, वापस से चलना है, वापस से स्प्लिट पे कट कर देना है। अब इसे सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, या फिर कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि आपने जो एडिट किया है वो गलत है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, मतलब अंडू भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने अंडू कर दिया, उसके बाद ये स्प्लिट्स को निकाल दिया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जेड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब जैसा ही दोस्तों आप इस क्लिप को सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर कॉपी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लिप का अगर आपको कॉपी करके पेस्ट करना है तो आप ये पूरा काम भी बड़े ही आराम से कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर कोई अलग मीडिया फाइल भी इनपुट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं मीडिया फाइल इनपुट देता हूँ मेरे वाठियास इंट्रोडक्शन का, तो इसे मैंने कर दिया ओपन। अब ये इनपुट मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर इसे कर दिया स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड टू टाइमलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये टाइमलाइन के उस एंड पे जा करके बैठ गया। तो अब मैंने सिर्फ क्या करना है, पिक एंड ड्रॉप करते हुए इसे सेंटर में मैंने ले लिया। तो इस तरीके से ये मेरे क्लिप के बिल्कुल भी बीच में आ गया, मतलब है क्लिप के बीच में मैंने एक नई क्लिप यहाँ पर ऐड कर दी है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। एडिटिंग के लिए इसको थोड़ा सा बफरिंग लगता है दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो। अब मैं कर देता हूँ इसको पॉज, के स्पेस बार से पॉज कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप पॉज या प्ले कर सकते हो। ये हो गया बेसिक एडिटिंग आपका। और यहाँ पर आप इमेजेस भी इनपुट करके ऊपर डाल सकते हो लेयर में। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में चलते हैं हम अभी इमेजेस में, पिक्चर्स में चलते हुए भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का लोगो ऐड कर लेते हैं। और देखिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ इस तरीके से इसके ऊपर, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब इसको रिसाइज कर सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे चाहिए ये इसे यहाँ वहाँ पर लगा सकता हूँ। और इसे इसकी लेंथ भी ड्रैग करके पूरे वीडियो पर लगा सकता हूँ या एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही इसे रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बड़े ही आराम से आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कर देता हूँ इसे डिलीट और यहाँ से भी इसे कर देता हूँ डिलीट। अब देखते हैं किस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो चलिए टेक्स्ट के ऑप्शंस देखते हैं। तो बेसिक टेक्स्ट ऐड करने के आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, या फिर डायनामिक टेक्स्ट ऐड करने के भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि आप इंट्रो कर रहे हो, देखिए इस तरीके से, तो रोल बैक आपको इस तरीके से नजर आएगा, या इस तरीके से भी आप देख सकते हो, या फिर सेंटर लाइन भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने ये वाला ले लिया। अब इसे क्या करना है, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप यहाँ पर करना है और टाइमलाइन पे आपको कहाँ पर चाहिए वहां पर लेकर जाना है और छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट इस तरीके से ऐड हुआ। अब इस बॉक्स पे आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे ही डबल क्लिक करते हो वैसे ही एडिटिंग के आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं मेरा नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेरा नाम यहाँ पर डाल दिया, इसे कर दिया ओके। अब इसे देखिए मैं कलर शेड्स दे सकता हूँ अलग अलग टाइप के, उसके बाद इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट मैं बढ़ा सकता हूँ, टेक्स्ट साइज इटैलिक अगर मुझे निकाल देना है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट भी, अलाइनमेंट्स भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। पोजिशंस में रिलेटिव पोजिशन इसकी चेंज कर सकता हूँ, जैसा बॉटम में चाहिए टॉप में चाहिए, या फिर टेक्स्ट को वापस से जा करके मैं एडिट कर सकता हूँ। अब जैसा ही मैं टाइमलाइन पे देखिए इसे प्ले करता हूँ, वैसा ही ये पूरे एनिमेशन के साथ ये नज़र आ रहा है, बट ये कलर इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम कर लेंगे इसको वाइट पर, और अब देखिए आपको क्लियरली नज़र आएगा ये किस तरीके से दिखेगा। अभी भी इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में कहीं कहीं पर उसका कॉन्फ्लिक्ट है, बट इतना एडजस्टमेंट आप जब फाइनल वीडियो आपका बनाओगे तब आप कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। तो ये हो गए दोस्तों डायनामिक टेक्स्ट या बेसिक टेक्स्ट के ऑप्शंस। उसके बाद आप वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पर बड़े ही आराम से चेंज कर सकते हो और इसको क्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये वीडियो है हमारा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब इसको मैंने छोटा कर दिया, तो ये जो बैकग्राउंड है ये आप चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मुझे कोई भी बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है, तो मैं इसे एज इट इज रखता हूँ। उसके बाद एलिमेंट्स में आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया या फिर इस तरीके से सब्सक्राइब के बेल आइकन्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक एनिमेशन जो है बेल आइकन का, ये मेरे वीडियो पर इस तरीके से मैं लगा सकता हूँ। उसके बाद सिमिलरली सब्सक्राइब वाला बटन भी मैं बड़े ही आराम से उसी वक्त लगा सकता हूँ।
और उसका एरिया अलग डिफाइन कर सकता हूँ, जगह उसकी अलग डिफाइन कर सकता हूँ। तो देखिए इस तरीके से जब ये टाइमलाइन पे मेरे प्ले होगा तब इस तरीके से ये नज़र आएगा। तो सब्सक्राइब का बटन भी आ गया और बेल आइकन का भी बटन आ गया। तो इस तरीके से अलग-अलग आपको एलिमेंट्स यूज़ करने के लिए मिलते हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं दोस्तों, और ये सारे के सारे एकदम फ्री है। अब एलिमेंट्स हो गए, अब फाइनली देखते हैं ओवरलेस। अब ओवरले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आउट स्क्रीन के लिए, या फिर इंट्रो के लिए, या फिर आउट्रो के लिए, डेकोरेशन के लिए, या फिर टेक्स्ट को आपको अगर देना है तो देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हो ओवरले आपका। मान लो यहाँ पर आपने ओवरले दे दिया, अब मैं श्रेयस भाटिया का यहाँ पर डिलीट करता हूँ, अब मेरा नाम जो आना चाहिए डायरेक्टली इस तरीके से एक ओवरले में आना चाहिए, तो ये भी आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आपके वीडियो में मान लीजिए आप लगा देते हो, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, अब आपके हिसाब से ये पूरा का पूरा वीडियो फॉर एग्जाम्पल फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आप आपके फेसबुक से या गूगल से लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए मैं भी लॉगिन करता हूँ मेरे गूगल से। अब देखिए ये लॉगिन हो गया है, यहाँ पर मेरा पर्सनल अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब एक्सपोर्ट करते वक्त ये पूछता है कि आपको कौन सी क्वालिटी का एक्सपोर्ट चाहिए और उसका नाम क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कर देता हूँ डेमो रिकॉर्ड कास्ट का, और यहाँ पर फुल HD क्वालिटी को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने 1080p सेलेक्ट किया और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए प्लीज़ वेट अ मोमेंट, तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में ये पूरा एक्सपोर्ट होने लायक बन जाएगा और फिर एक्सपोर्ट हो भी जाएगा। चलिए एक्सपोर्ट होने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वीडियो हमारे VLC प्लेयर में कंप्यूटर में डाउनलोड होकर के हमें नज़र आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेमो रिकॉर्ड कास्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूरे एनिमेशंस के साथ ये पूरा का पूरा हमारा नज़र आ रहा है, बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।